नमस्कार दोस्तों, मैं नगीना शर्मा बोकारो से। बोकारो गार्डन में आप सभी सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स को तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, यहाँ जो मैंने प्लांट रखे हुए हैं, इसको फर्स्ट लव कहते हैं। फर्स्ट लव इसका नाम है। ऐसे इसके ढेर सारे नाम हैं, ऑबिल स्वेला, ऑबिल स्वेला। इसके बाद है वेरोनिका, इसके नाम ढेर सारे हैं। वेराइटी की बात करोगे तो इसमें इसके पत्ते फ्लावर्स के इतने वेराइटी आते हैं, 250 से अधिक इसकी वेराइटी है। मुझे ये वाली नर्सरी में मिली है तो मैं इसे लेकर आई हूँ, लेकिन आप देख रहे होंगे कि इसके सारे फ्लावर्स झड़ गए हैं, नीचे गिर चुके हैं। अब केवल थोड़े से इसमें जो फ्लावर्स के ऊपर निकले हुए वाले हिस्से हैं वही बचे हुए हैं। मेरे यहाँ बारिश काफ़ी हो रही है और इसी का परिणाम है कि इसके फ्लावर्स सारे के सारे नीचे गिर गए हैं। दोस्तों, ये इसके रूट्स किस तरह से बाहर आ गए हैं ये भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये समर में खिलता है, पूरी समर ये खिला रहेगा, ये सालों साल रहने वाला है। यह सीजनल प्लांट नहीं है, यह आपको सालों साल फ्लावर देगा। यहाँ इसके पत्ते को आप देखोगे, वर्षा से इसके पत्ते इस तरह के हो गए हैं, वैसे इसके पत्ते भी बहुत खूबसूरत हैं। अब इसकी सॉइल की बात करते हैं तो ये हर एक तरह के सॉइल में ग्रो करता है। चाहे आपका सॉइल सैंडी हो, क्ले हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सॉइल की ड्रेनेज अच्छी होनी चाहिए। पानी ज़्यादा इसमें अगर रुका रहेगा तो इसके रूट्स खराब हो जाएंगे। और चूंकि ये फ्लावरिंग प्लांट है इसलिए इसको धूप चाहिए, लेकिन जहाँ पर दिन भर काफ़ी धूप आती हो, डायरेक्ट धूप आती हो, वैसी जगह नहीं चाहिए। धूप चाहिए लेकिन थोड़ी कम समय तक आने वाली धूप चाहिए। अब वाटरिंग की बात करोगे तो वाटर इसको चाहिए, वाटर आपको पानी देनी है, लेकिन आपको मिट्टी चेक कर लेनी है। मिट्टी चेक करने में आप उंगली को इसमें आधा इंच एक इंच अंदर ले जाओ, इसके बाद इसको निकाल के ऐसे चेक करो। अगर ये मिट्टी गीली लगती है, थोड़ी सी भींगी लगती है, तब पानी मत दो। अगर ये सूखी हुई है तो ज़रूर पानी डाल देनी है। तो इस तरह से आप इसको, जब इसमें फ्लावर आए, फ्लावर आने के समय आप इसको फर्टिलाइजर दे दिया करें, फर्टिलाइजर दे दें। और इसकी कटाई छटाई जब फ्लावर्स आने बंद हो जाएं, समर के बाद जब फ्लावर देना बंद कर दे तो इसकी कटाई छटाई भी कर दें। पेड़ को जितना ज़्यादा काटोगे, काट छांट करोगे, तो इसमें पेस्ट वगैरह लगने की भी संभावना कम हो जाती है। साथ ही आप जहाँ से काटते हो वहाँ से नई नई टहनियाँ निकलेगी, इसलिए पेड़ को फ्लावर देने के बाद उसकी कटाई छटाई कर देनी चाहिए। इसके फ्लावर्स के बहुत सारे कलर्स डिजाइन आते हैं, इसको आप धूप वाली जगह में लगानी है, पानी देनी है, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी नहीं देनी है। सॉइल ड्रेनेज अच्छी ड्रेनेज वाली रखनी है। ये जून से लेकर अगस्त तक फ्लावर देते रहेगा, गुच्छे के गुच्छे फ्लावर देगा, जो आपको दिख भी रहे हैं। इसके गुलदस्ते वगैरह बुके बनाने में भी ये फ्लावर बहुत काम आता है।
जब ये दोबारा फिर फ्लावर देगा तो मैं आपको अपडेट इसका जरूर करवाऊंगी। अभी आप इसी तरह से इसको देख लो। अब मैं इसे पॉलीथीन में से निकालती हूँ और इसको चलकर हम लोग पॉट में लगाते हैं। इसको मैंने पॉलीथीन से निकाली है। अब इसके रूट्स को आप देखें किस तरह से ये डेवलप कर गई है। अब इसे इस पॉट में लगानी है तो इसको मैं यहाँ से लेती हूँ और यहाँ पॉट में रखती हूँ। लेकिन मैंने जो अरेंजमेंट किया था रखने का वो थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा हो रहा है, इसलिए मैं इसे यहाँ हटा देती हूँ और इसको इसमें ऐसे रखते हैं। इसके रूट बॉल को ज्यों का त्यों मैं रख देती हूँ। इसके रूट बॉल को मैं डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। अब आप सॉइल को देखोगे तो ये सॉइल आप देख लो, इसमें आपको गोबर के खाद के थोड़े से टुकड़े मिलेंगे। मैं सॉइल बनाकर पहले से रखती हूँ। थोड़े से किचन से बने हुए जो पत्ते वगैरह होते हैं, किचन मटेरियल के बने हुए जो मेरे पास फर्टिलाइजर होते हैं, उसे मैं इसमें डाल देती हूँ। और 50% बालू है, थोड़े से काऊ डंग है और अपने बनाए हुए कंपोस्ट हैं, और इसके अलावे इसमें अपने खेत की सॉइल है। तो इसको अब इसमें भर देनी है। ये फ्लावर जब देता है तो इसके फ्लावर सप्ताह भर खिले रहते हैं। इसके फ्लावर आपको सप्ताह भर लगे रहेंगे। और जब ये फ्लावर समाप्त हो जाए, देना बंद कर दें, जून से अगस्त तक ये फ्लावर देंगे, ये बात का ध्यान रखें। और जब फ्लावर देना बंद कर दें इसके बाद इसकी छटाई जरूर कर दें, क्योंकि छटाई नहीं करने से ये घने हो जाएंगे, फिर इसमें बहुत सारे पेस्ट स्पाइडर इन लोगों का घर बन जाएगा। और आपको पेस्टिसाइड का, नीम ऑयल का उपयोग करना पड़ेगा। इसलिए बेहतर है कि इसको बहुत ज़्यादा घना ना होने दें, इसको आप कटाई छटाई करते रहें। धूप में रखनी है, ये मैंने आपसे बातें कर ली है। इसको जब भी दबाएं तो रूट के बगल में ना दबाएं, थोड़ी सी दूरी मेंटेन करते हुए उसको नीचे करनी है, क्योंकि रूट के बगल में अगर डाल दोगे, दबाव दोगे तो रूट इसके खराब हो जाएंगे, टूट जाएंगे और प्लांट को परेशानी हो जा सकती है। तो इस तरह से इसको धीरे धीरे करके आपको रूट के बगल बगल में दबानी है। खेत के सॉयल है इसलिए कुछ इसमें प्लांट्स भी आ गए हैं। अभी आपको लग रही होगी कि सॉइल थोड़ी ज्यादा पड़ रही है, लेकिन पानी देने के बाद, वाटर देने के बाद ये सब नीचे बैठ जाएंगे। हो सकता है कि थोड़े से सॉइल और देने पड़ जाएं। तो अभी इतना डालने के बाद मैं इसमें पानी दे देती हूँ। जैसा कि मैं चर्चा करती हूँ कि वाटर देने के समय पहली बार जब प्लांट लगाएं तो पूरी तरह से इसमें पानी दे दें, इतने वाटर दें कि ड्रेनेज होल से आपके वाटर निकलने लगे। तो दोस्तों, इस तरह से ये फर्स्ट लव प्लांट के को कैसे लगाएं, इसको मैंने वीडियो शेयर की है। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। कमेंट में जाकर आपको जो कुछ भी पूछना है आप पूछ सकते हो। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा ले रही हूँ। मेरे दोस्तों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, और मेरे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार।